जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन जीके जीएस से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट लेकर आए हैं। तो आप सभी पूरा टेस्ट को लगाइए और जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महेंद्र सिंह को, नामवर सिंह, दीनानाथ मंगेशकर को या फिर डी भिखारी ठाकुर को? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, यह प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न 2020 में बिहार पुलिस में, बिहार लेडी कांस्टेबल में, यहाँ तक कि बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लें। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो याद कर लीजिए, भिखारी ठाकुर को। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, भिखारी ठाकुर को। चलिए दूसरा प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आप सभी फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एस्कर्बी बीमारी, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। टार्ट्रिक अम्ल नींबू में, सॉरी इमली में होता है। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये नींबू और संतरा में पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। थायमिन की बात करें तो ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताइए, क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? और साथियों, आज जो ये हम आपको क्लास करा रहे हैं ये एक्स्ट्रा क्लास है, टेस्ट के रूप में अटेंड कीजिए। बाकी आपका क्लास रात 8 बजे और 8:30 बजे से है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो रंग होता है आप सभी जानते हैं, ये हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया था? तो साथियों, अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है और इसके लिए भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया था? तो याद रखिएगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, गोवा जो है ये पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? चलिए आगे देखिए, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग सेशन को साथ में लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो याद रखिएगा, ये मिलती है किससे? तो वसा से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और विटामिन की बात करें तो विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। चलिए, और प्रोटीन की बात करें तो सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में, लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? और साथियों, आज रात 8 बजे की क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स और साथ में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी कवर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज रात 8 बजे की क्लास को ज़रूर देखना है और 8:30 बजे की क्लास में इम्पोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर, याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह है 51.50%। और सबसे कम पूछे कहाँ पर है? तो सबसे कम, याद रखिएगा, साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में है और सबसे अधिक पूछे तो केरल में। चलिए आगे देखिए, कीव किसकी राजधानी है? चलिए बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बता दीजिए, कीव किसकी राजधानी है? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। चलिए आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? देखिए, 1857 की क्रांति से प्रश्न बन सकता है कि
इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से। किस तिथि से? तो 10 मई से। और इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा क्या था? तो कमल और रोटी, यानी कमल और चपाती। तो इस विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? चलिए, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा, क्या ये संकटग्रस्त जातियाँ हैं, दुर्लभ जातियाँ हैं, विलुप्त जातियाँ हैं या फिर सुमेध जातियाँ हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ये सुमेध जातियाँ हैं। चलिए आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? और देखिए साथियों, 2010 से लेकर अब तक आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी बायोलॉजी जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। देखिए बायोलॉजी में पादप जगत से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही हम लोगों ने जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे और पॉलिटी के प्रश्न, इसको भी कवर कर लिया है। और कल हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं पिछले 12 सालों के, तो और सभी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर देख लीजिए। तो सबसे बड़ी नमक पानी की झील जो है, याद रखिएगा, ये है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सोलर सेल बने हुए होते हैं? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बेसिक लेवल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं सोलर सेल जो बना हुआ होता है ये अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का बना होता है। और अर्धचालक का उदाहरण क्या है? तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सभी क्या है? तो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक का उदाहरण है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछे क्या है? तो चांदी, जिसको सिल्वर कहा जाता है, ये विद्युत का क्या है? सबसे अच्छा चालक है। आगे देखिए, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? और जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप लोग सेशन के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल के क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, ओडिशा का ओडिसी है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो साथियों, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगा याद रखिएगा। और बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। चलिए आगे देखिए, ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये सभी प्रश्न हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है। तो ओजोन परत की बात करें, ये पाया जाता है समताप मंडल में। ओजोन का अनुसूत्र होता है O3 और प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इसको प्रभावित करने वाले जो गैस है यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। चलिए आगे देखिए, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा तमिल। क्या है सबसे प्राचीन भारतीय भाषा? है हिंदी, यहाँ पे नहीं होगा। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ग्रैमी अवार्ड। तो देखिए, एक होता है पुलित्जर पुरस्कार, यहाँ पे लिख देते हैं पुलित्जर। तो ये संबंधित है पत्रकारिता से, और ग्रैमी अवार्ड जो है ये संबंधित है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार का चट्टान है?
देखिए कोयला से संबंधित एक प्रश्न बन सकता है, कोरबा कोयला क्षेत्र, कोरबा कोयला क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है? तो ध्यान दीजिए, कोरबा जो क्षेत्र है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला भी है जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला किस प्रकार का चट्टान है? याद रखिएगा, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत, जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप है तो ये प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? तो जो क्षेत्र तीन ओर से जल से घिरा हो, जैसे देखिए नीचे में इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, यहाँ पे अरब सागर, तो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, तो ये क्या है? प्रायद्वीपीय। और प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये अनाई मुड़ी है जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दोदा बेटा की बात करें तो ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। लक्षद्वीप निर्मित है तो प्यारे साथियों लक्षद्वीप जो है ये निर्मित है प्रवाल भित्ति से। यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। और लक्षद्वीप का लोकेशन कहाँ पर है? तो ये अरब सागर में लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? चलिए किसके लिए आंसर कीजिए, और आज के सेट में जितने भी प्रश्न हैं आपके सही सभी प्रश्न सही होने चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही सिंपल है और हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है, इसलिए एक भी प्रश्नों के आंसर आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो स्थानीय स्वशासन को लागू किया था किसने? तो लॉर्ड रिपन ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लॉर्ड रिपन के समय में ही आया था कारखाना एक्ट। क्या आया था? कारखाना एक्ट। और इसी के समय में आपको याद होगा भारत में 10 के आधार पर जनगणना हुई थी 1881 में, और 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिराजुद्दौला की हार खालिस्तान के युद्ध में हुई थी। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, तो सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? तो बहुत ही सिंपल है, ये हुआ था प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, ध्यान रखेंगे 1757 को, जबकि बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, दोनों ध्यान रखेंगे। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए वांडी वास का युद्ध ये कब हुआ था। आगे देखिए, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम 235 है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह क्या था? ये तो बहुत ही सिंपल है, ये है द्वैध शासन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? चलिए फटाफट से आंसर बता दीजिए, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह जो है ये किसके द्वारा रचित है? तो पद्म सचदेव के द्वारा रचित है। तो साथियों यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दें। तो अवध में किसानों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने, याद कर लीजिए किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, यहाँ से आपको आर्टिकल और भाग दोनों याद रखने हैं। तो ये आर्टिकल है 343, इसमें देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, और भाग पूछे तो भाग 17 में। चलिए आगे देखिए, हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो इसके बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है,
हड्डी और पेशी, इसको जोड़ता है कंडरा, जिसको कहा जाता है टेंडन। तो अभी इसको याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है कंडरा या फिर टेंडन। और जो हड्डी और हड्डी को जोड़ता है वो है लिगामेंट। क्या है? लिगामेंट। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पर 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। शुद्ध पानी का पीएच मान, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं ये होता है 7। शुद्ध पानी का पीएच मान जो कि उदासीन होता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो याद रखिएगा एड्रिनलिन हार्मोन। ये क्या है? तो आपातकाल का हार्मोन है। आगे देखिए, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ से आपको और भी प्रश्न बताते हैं, अगर रुधिर परिसंचरण की खोज पूछे तो ये किसने किया था? विलियम हार्वे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन्होंने क्या किया था? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। वहीं अगर हम लोग पूछे यहाँ पे कि रक्त समूह का पता किसने लगाया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर, याद रखिएगा कार्ल लैंड स्टीनर, इसने किया था रक्त समूह का पता लगाया था। सभी को ध्यान रखें। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अभी याद कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, पंचायती राज जो संबंधित है, अच्छा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो ये मिला था 73वां, याद रखिएगा 73वां संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। ये कब हुआ था? तो 1992 में। तो पहला फैक्ट ये बन गया। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? तो राजस्थान, यहाँ पे लिख देते हैं राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर कब? तो 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ से एक अनुसूची है 12वीं अनुसूची। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए कि 12वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 1993 में। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको नोट कर लीजिए, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए, वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा जीन क्या है? वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? देखिए ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो अभी इसको याद कर लीजिए। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को अनुसूची 6 में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आज हमने 35 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आपने 35 में कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। अगर आपका 35 में 32 से 33 प्रश्न भी सही हुआ है तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है।